बलरामपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने जिला स्तरीय अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिला मजिस्ट्रेट ने बैठक में कहा कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनपद में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद में बाहर से 12,000 व्यक्ति आए हैं, जिनके कोरोना टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं, बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और खेती के लिए काम से बाहर निकले किसानों को ना रोका जाए। इस समय जो कोरोना का जो संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके रोकने के लिए जो सबसे प्रमुख उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि लोग एक दूसरे से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार लोगों को जागरूक करके ये प्रयास किया है कि लोग कहीं पर भी रहें, चाहे वो कहीं पर ग्रोसरी शॉप पे कुछ सामान ले रहे हों या दवा की दुकान पे हों या बैंक पे, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण ना फैले। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के द्वारा भी ये चीज़ का अनुपालन किया जा रहा है कि वो भी आपस में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख रहे हैं कि ताकि संक्रमण ना होने पाए। अभी एक सूचना हम लोग मिली थी कि मंडी है जहाँ पर सब्जियों का व्यापार होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो थोक व्यापारी हैं वहाँ पर वो मंडी में जाएंगे, उनका टाइम अलग होगा, और जो फुटकर व्यापारी उनका टाइम अलग होगा, और पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि लोग वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कई जनपदों से, कई राज्यों से ऐसे लोग वापस आए हैं बलरामपुर में जो कि यहाँ से बाहर गए थे काम करने के लिए, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है तो वहाँ पर बिजनेस वगैरह बंद हो गए, इसलिए लोग वापस आए हैं। तो ऐसे सभी लोगों की पूरी तरीके से मेडिकल टीम के द्वारा प्रॉपर स्कैनिंग की गई है, और उसके बाद उन लोगों की पूरी डिटेल नोट करके गाड़ीवार कि किस बस में कितने लोग थे, कहाँ के थे, उनका नाम क्या था, उनका मोबाइल नंबर, कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें नोट करके उन लोगों को फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। और साथ में ही उन लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि जब वो लोग जाएंगे तो कम से कम 14 दिन तक वो लोग हाउस क्वारंटीन में रहेंगे, यानी कि अपने घर पे एकांतवास में रहेंगे, और उसमें दौरान वो लोग घर में तो रहेंगे ही रहेंगे और घर वालों से भी दूरी बनाए करके रखेंगे वो, ताकि संक्रमण फैलने का कोई खतरा ना रहे। और जो मेडिकल टीमें हैं वो लगातार जा करके ऐसे लोगों के घर पर राउंड कर रही हैं, पुलिस भी ऐसे लोग जो कि बाहर से आए हैं उनके घरों पर भ्रमण करके उन लोगों को ये समझा रही हैं, उनके परिवार वालों को और उनके आस पड़ोस के लोगों को, कि 14 दिन तक आप लोगों को अपनी, अपने परिवार के और आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि 14 दिन के लिए आप लोग अपने घर में ही रहें। तो इस प्रकार से हम लोग जागरूकता के माध्यम से और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं लगातार कि कोरोना से जो बचाव है यही इसका एक उपाय है अभी, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, पूरी साफ़ सफाई बनाए रखें, जो लोग बाहर से आए हैं वो कम से कम 14 दिन के लिए अपने आप को घर पे ही एकांतवास में कर लें। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोरोना का जो संक्रमण है उस पर हम लोग काफ़ी हद तक प्रभावी अंकुश लगा सकें।